हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर वारू जो कि 1939 से 1945 नियरली सिक्स वर्ल्ड वॉर चला था तो इस वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए और यूएसएसआर जो है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज उभर के आई थी तो एक जुलाई उन्नीस सौ चौवालीस जुलाई नाइनटीन को यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्रिटेन उर्स न्यू हर में कंडक्ट हुआ था तो ये मेन मोटिव इसके पीछे ये था कि जो वर्ल्ड वॉर टू में नुकसान हुआ है अलग अलग कंट्रीज को इकोनॉमिक कंडीशन बेकार हो गई है पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो गई तो इससे उभरने के लिए जो नष्ट हुआ है जो नुकसान हुआ है डिस्ट्रक्शन हुआ है उससे उभरने के लिए कैसे उससे उभरा जा सकता है तो

जाए अलग अलग कंट्रीज को जो वर्ल्ड वॉर में नुकसान पहुंचा है उनको तो इस पर जो है डिस्कशन हुआ इस कॉन्फ्रेंस में तो एजेंडा टू इकोनॉमिक ऑर्डर दैट प्रिवेंट फर्दर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कोलैप्स यानी कि यहां पर जो कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव था कि आगे चल के कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो इससे उभरने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टेब्लिश करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस किया गया था तो यहां पे इस मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें क्रिएट की गई सबसे पहली चीज़ कि नेगेटिव बीओपी ऑफ कंट्री यानी कि जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था कंट्रीज का उसको इंप्रूव करने के लिए आईएमएफ का जो है क्रिएशन हुआ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बनाया गया क्लियर ये किस पे फोकस करेंगे उन कंट्रीज पर जिनका नेगेटिव बी हो गया है वहीं पर दूसरी जो है बॉडी बनाई गई दैट इज आई जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं तो ये जो है इसका मेन मोटिव क्या था कि जो वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी थे उनको फंड प्रोवाइड करना यानी कि जिनको वर्ल्ड वॉर टू में नुकसान पहुंचा जो कंट्रीज जो है वर्ल्ड वॉर टू की वजह से बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा तो उनको जो है ये आई का मेन मोटिव था उनको फंड प्रोवाइड करना तो आई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तो जिसको हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते थे आई एम एफ और आई इस तरीके से इनका स्टेब्लिशमेंट हुआ था तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारी कंट्रीज का जो है इकोनॉमिक कंडीशन पॉलिकल खराब हो गई तो जिसके लिए फर्स्ट जुलाई 1944 को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रिटेन उड न्यू हम्पायर में है वहां पे कंडक्ट हुआ जिसको हम ब्रिटेन उड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं जहाँ पे 44 देशों के डेलीगेट्स आए और 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कॉन्फ्रेंस चला जहाँ पे दो बॉडी आईएमएफ और आईबीआरडी क्रिएट की गई आईएमएफ बीओपी कंट्रीज के लिए नेगेटिव बीओपी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए और आईबीआरडी जो वॉर डिवास्टेड इकोनॉमी थी उसको इंप्रूव करने के लिए ये जो है सेटअप हुआ था इस ब्रेटन कॉन्फ्रेंस में विश ऑल दस्ट की आई एम एफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन मोटिव था कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली कंट्रीज को उभारना उनको पॉजिटिव में लेके आना तो इसकी स्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में हुई हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन डी में है और करेंटली इसमें वन नाइन्टी कंट्रीज हैं इसमें स्टार्टिंग फोर्टी से हुई थी उसके बाद वन नाइन्टी धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो जुड़ते चले गए और आज के टाइम पर वन नाइन्टी कंट्रीज इस आई के साथ जुड़े हुए हैं और अप्रॉक्स 2700 स्टाफ है जो कि 150 सौ नेशन से है मतलब एक सौ पचास कंट्रीज से आईएमएफ का स्टाफ जो है वो सेलेक्ट किया गया है सत्ताईस लोग इस स्टाफ मेंबर्स में आईएमएफ में है तो आईएमएफ का जो प्राइमरी मिशन था वो ये था कि जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके आना सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट दैट इनेबल कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांजेक्ट विथ ईच अदर यानी कि जो निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसको पॉजिटिव करना और जो इसका मिशन था कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके आना कि जिससे कि लोग आसानी से एक से दूसरे कंट्री में पेमेंट्स कर सके इजिली तो लार्जेस्ट जो है है ये क्या फंड्स प्रोवाइड करते तो जो लार्जेस्ट हैं इसमें अर्जेंटीना इजिप्ट यूक्रेन पाकिस्तान ये सब जो है आईएमएफ से पैसा जो है बॉरो करते रहते हैं तो प्राइमरी एम क्या था आई का प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन है एक दूसरे कंट्रीज के बीच में उसको प्रमोट करना फैसिलिटेट दी एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना और बैलेंस ग्रो करना यानी कि सभी कंट्रीज एक साथ जो है ग्रो कर रहे हैं प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी एक्सचेंज जो आप देखते हैं करेंसी एक्सचेंज यानी कि एक डॉलर की कीमत इतने रुपए है है तो इसमें जो इस्टे, इस्टे, स्टेबिलिटी लेके आना असिस्ट इन दीटेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट के बहुत सारे मल्टीलेटरल सिस्टम जो है उसको, करना, उसको असिस्ट करना एंड मेक रिसोर्स अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज यानी कि वो कंट्रीज़ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं उनके लिए रिसोर्सेज जो है एडोकेट सेफ जो है उनके लिए प्रोवाइड करना ये प्राइमरी एम था तो जो आईएमएफ है ये सारे गोल को अचीव करने के लिए पहला काम करती है इकोनॉमिक सर्विलांस यानी कि कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ऑफ मेम्बर्स कंट्रीज़ यानी कि जो भी मेबर कंट्री है उनकी ग्लोबल इकोनॉमी और उन मंबर कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जो है रिकॉर्ड करती रहती है उनको सर्विलांस पर रखती है उसके ऊपर नजर रखती है उसके बाद जो है जिनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है जो बी डिफ़िकल्टीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज़ को फेस करते हैं उन मेंबर्स को जो है लेंड करती यानी कि उनको पैसे पैसे देती है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि गिविंग प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल हेल्प टू मेंबर्स यानी यानी कि में पैसे दे दिए उनको टेक्निकल और प्रैक्टिकल तरीके से जो है उन मेंबर्स कंट्रीज को जो है वो हेल्प करती है तो ये इन तीन तरीकों से जो है आई एम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती है तो अगर हम देखें तो आई का जो मेन जो पैसा है या आई के पास पैसा आता कहां माइंड में रहता है कि आई जो पैसा दे रही है अलग अलग कंट्रीज को आता कहां से है तो एक्चुअली जो है आई एम एफ जो इसका मेन रिसोर्स है वो ये है कि जो डिफरेंट कंट्री मेंबर्स हैं जो मेंबर्स हैं उनको ना कोटा डिवाइड किया गया और वो जो है कंट्री की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से उनको जो है आईएमएफ में पैसा देना पड़ता है तो द मनी दैट कंट्री पे एज देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन कोटा वेन दे बिकम मेंबर तो जो जितना कोटा होगा उनका कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा उतना उनको जो है वहां पर आईएमएफ में पैसा देना पड़ता है ईच मेंबर ऑफ द आई एमएफ इज असाइंड ए कोटा बेस्ड ब्रॉडली ऑन इट्स रिलेटिव पोजिशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी क्या पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कोटा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको आई में पैसा देना पड़ता है और फिर जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां से उस पूल से पैसा ले सकती हैं अपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी को दूर करने के लिए क्लियर तो आई के पास पैसा कहां से आता है आईएमएफ के पास जो हैं उन्हीं से पैसा आता है वो कैपिटल कोटा साइन किया जाता है और वहीं से उनको कैपिटल उतना जो है आई में देना पड़ता है फिर जो मेंबर्स कंट्री है जिनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वहां से वो पैसा लेती हैं क्लियर तो स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यहां पर जो है सबसे पहले जो दैट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो ये हाइस्ट डिसीजन मेकिंग इनके पास होती है और ये डायरेक्शन ऑफ पॉलिसीज जो है वो सेट करते हैं आई

एफ में 24 फोर मेंबर्स हैं जो कि 190 सौ गवर्नर से जो है यहां से ड्रॉ किए जाते हैं और ये क्या करते हैं ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे ना उनको एडवाइस करते हैं एडवाइस द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द आई एंड द वर्ल्ड बैंक ऑन इशूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज तो मिनिस्ट्रल कमेटी का मेन काम क्या होता है कि यह एडवाइस करती है बोर्ड ऑफ गवर्नर की जिससे कि वो पॉलिसीज बना सके डिसीजन मेकिंग कर सके किस रिगार्डिंग जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज में उसको ऑब्जर्व करती है उसके बेसिस पे जो है ये एडवाइस करती है किसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को उस उसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर हो गया उसके बाद मिनिस्टर कमेटी हो गया देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड आता है यानी कि डे टू डे वर्क जो आई का होता है वो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा ओवर किया जाता है तो ट्वेंटी फोर इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं जिसमें से पांच जो है वो जो लार्जेस्ट कोटा है आई में यूएस जापान जर्मनी फ्रांस और यूके इनके जो है द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वहीं पर जो अदर नाइनटीन है वो रीजनल ग्रुप ऑफ रिमेनिंग मेंबर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो 24 एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं जिसमें से पांच कहां से होते हैं जिनका लार्जेस्ट कोटा है आईएमएफ में यूएस जापान जर्मनी फाइनेंस और फ्रांस एंड यूके क्लियर और नाइन्टी जो रीजनल ग्रुप मेंबर से आते हैं तो ये क्या है ये फंड्स वर्क से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं और मिनिस्ट्रल कमेटी को सपोर्ट करते हैं फिर लास्ट में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा चूज किया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका डायरेक्टर होता है उसके द्वारा ही चूज किया जाता है और ये रिस्पांसिबल होता है फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑर्डरी बिजनेस ऑफ द फंड जो फंड का ऑर्नरी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो है ये काम करते हैं और इनका जो ड्यूरेशन होता है पांच साल का होता है मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफ आई स्टाफ एंड चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड तो जो जो आई का स्टाफ होता है उसका हेड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयर होता है किसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड का तो शी और ही इज़ असिस्टेड बाय फोर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं तो ये जो है पूरा इसका स्ट्रक्चर है किसका आईएमएफ का यानी कि सबसे पहले वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ दो मिनिस्टरल कमेटी होती है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फिनंशियल कमेटी एंड डेवलपमेंट कमेटी जिसमें चौबीस मेंबर होते हैं फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें भी चौबीस मेंबर होते हैं पांच जो है लार्जेस्ट कोटा जो यूएस जापान जर्मनी फ्रांस और यूके है उनके यहाँ से होते हैं और नाइनटीन रिमेनिंग कंट्रीज के यहाँ से होते हैं फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एक और उसके साथ चार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं वर्ल्ड बैंक में कंडीशन थी कंट्रीज है बहुत नुकसान हुआ था तो उसको रिकवर करने के लिए आईबीआरडी का सेटअप किया गया था जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं प्रोवाइड लोन टू कंट्रीज फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है फैमिली ऑफ फाइव इंटरनेशन

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस uh, हैं वो कौन कौन से हैं सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये मेन मोटिव इसका यही था कि जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जो है सभी कंट्रीज़ को उभारने के लिए तो ये क्या है ये लैंड टू गवर्नमेंट फॉर मिडिल इनकम ऑफ मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज तो इसमें 189 एटी नाइन मेम्बर्स हैं आई बी आर डी में और इसका ये जो है जो मिडिल इनकम गवर्नमेंट होती है फिर क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनको जो है ये लोन प्रोवाइड करती है दूसरा है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आई डी ए इसमें वन सेवेंटी फोर मेम्बर्स हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन क्रेडिट एंड ग्रांट्स टू दी गवर्नमेंट्स ऑफ अंडर प्रिवरेज एंड पुअर कंट्रीज तो ये क्या करती है ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करती है क्रेडिट देती है और ग्रांट्स देती है किसको अंडर प्रिवलेज और पुअर कंट्रीज गवर्नमेंट्स को क्लियर वहीं पे आईएफसी आता है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये भी क्या करते हैं ये भी प्रोवाइड लोन इक्विटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू स्टूमलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज तो यानी कि यह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को स्टूमलेट करने के लिए उनको लोन इक्विटी और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसमें डेवलपिंग कंट्रीज में वहीं पर फिर आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मेगा ये क्या है ये प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट क्रेडिटिन्हेंसमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स टू फैसिलिटेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज इकोनॉमी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए इन्वेस्टर लेंडर्स को ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इनहेंसमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं वहीं पर जो है पांचवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी आईसीएसआई ये जो क्या करती है यह प्रोवाइड इंटरनेशनल फैसिलिटीज फॉर द काउंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसके काउंसिल करने के लिए और उसके आर्बिट्रेशन के लिए जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट तो ये जो है वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक का जिसमें मेन आईबीआरडी था जो कि लोन प्रोवाइड करती है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को जिसमें 189 एट्टी नाइन मेबर्स हैं और दूसरा आईडी इंपॉर्टेंट था जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है कि इसको अंडर प्रिवलेज और पुअर कंट्रीज़ को तो ये दो इंपॉर्टेंट थे तो अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड बैंक का रोल देखें तो रोल क्या है कि ये लोन और फाइनेंशियल एड जो है ग्रांट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस एरिया में एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इस पर जो है इसके लिए ये लोन और ग्रांट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है इसको मेंबर कंट्रीज को तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे यू ऑल द बेस्ट की वॉचिंग